बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम यूबंटो को इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ के साइड बाय साइड, मतलब जो हमारी अभी विंडोज से इंस्टॉल है तो हम चाहते हैं कि ये भी रहे और साइड बाय साइड हम यूबंटो भी इंस्टॉल करें और उसमें कोहा इंस्टॉल करके अपना काम कर सके। तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप जाएँगे माई कंप्यूटर पर, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज में इधर डिस्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पार्टीशन आ गए हैं, जो मतलब सी और डी और ई इंस्टॉल है। मैं चाहता हूं कि ई में मैं अपना मतलब विंडोज़ यूबंटो जो है वो इंस्टॉल करूं, तो इसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और श्रिंक वॉल्यूम, ये देख रहे हैं आप, श्रिंक वॉल्यूम इस पर क्लिक करूंगा और फिर श्रिंक पर क्लिक कर लूंगा। तो ये हमारे सामने आप देख रहे हैं कि फ्री स्पेस एलोकेट हो गई है। अभी हम जो है यूबंटो की जो बूटेबल यूएसबी है वो इंसर्ट करेंगे अपने लैपटॉप की यूएसबी स्लॉट में। इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे, क्लोज, और अपने सिस्टम को शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद हम दोबारा इसको ऑन करेंगे अपने सिस्टम को और F12 प्रेस करेंगे ताकि बूट ऑप्शंस हमारे सामने आ सके। बूट ऑप्शन हमारे पास आए तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं एंटर सेटअप, सेटअप पर क्लिक करते हैं, फिर इधर आते हैं बूट ऑप्शन में। तो फर्स्ट बूट डिवाइस की जो फर्स्ट बूट प्रायोरिटी है उसमें यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर F10 के साथ इसको सेव करके यस प्रेस कर लेंगे। अभी आप देख लें कि हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए हैं, बूट लाइव सिस्टम, बूट सिस्टम इंस्टॉलर, बूट लाइव इन सेफ ग्राफिक, बूट लाइव इन डिबग। तो हम बूट लाइव सिस्टम पर क्लिक करें, बूट सिस्टम इंस्टॉलर इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे सामने ये विंडो खुल गई है, इसमें फुल नेम ऑफ द न्यू यूज़र जो इसको यूज़ कर रहा है वो अपना नाम लिखे, न्यू यूज़र नेम टू लॉगिन। यूज़र नेम में मैं ZKTK लिख दो, कोई भी आप जो है यूज़र नेम इसमें लिख सकते हैं। न्यू यूज़र अकाउंट पासवर्ड वो भी सेट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर कैपिटल A। मतलब जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। वो पासवर्ड दोबारा दे दे कंफर्मेशन के लिए, न्यू रूट पासवर्ड अगर देना चाहते हैं तो दे रहे हैं, नहीं देना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है। इसके बाद न्यू होस्ट नेम, इधर आप जो कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज मैं ऑफिस लिख लेता हूँ और फिर
नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अभी इधर आप देख लें कि इसमें जो हमने 146 GB स्पेस जिसको फ्री किया था श्रिंक के ज़रिए से, वो इधर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इसको डिलीट पर क्लिक करेंगे। डिलीट करने के बाद जो है इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट न्यू, तो न्यू पे हम जो है फिर इधर ऐड न्यू पार्टीशन इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसको क्लिक करके माउंट में आएंगे, माउंट में फॉरवर्ड स्लैश इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फाइल सिस्टम एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन 4 ही रहेगा जो बाई डिफ़ॉल्ट है। और इसके बाद जो है हम इसको सेलेक्ट करने के बाद हम माउंट पॉइंट फॉरवर्ड स्लैश इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद चेंज पार्टीशन सेटिंग इस पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे। इंस्टॉल द सिस्टम यूजिंग द फॉलोइंग रिस्टोर पॉइंट स्टार्ट इंस्टॉलिंग द सिस्टम। यह थोड़ा टाइम लगेगा तो इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। इसके बाद हम फिर ओके पर क्लिक करेंगे और फिर इधर लिखा है द कंप्यूटर विल रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली विद इन 30 सेकेंड्स। हम इसके ऊपर रिबूट पर क्लिक करेंगे। ये भी दोबारा रिबूट हो रहा है। ये हमने USB नहीं निकाली थी तो इसलिए जो है ये ऑप्शन आ गए। USB को मैं निकाल लेता हूँ और फिर सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अभी आप इधर देख सकते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जो है यूबंटू का है जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यूबंटू खुलेगी, और अगर हम विंडो 10 खोलना चाहते हैं तो हम विंडो 10 जो सबसे नीचे ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और विंडो 10 जो है हमारे सामने खुल जाएगी। सेलेक्ट फिलहाल हम सिर्फ यूबंटू को ही सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ये सही इंस्टॉल हो गई है कि नहीं। ये हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और ये यूबंटू हमारे सामने आ गई। इसमें अभी हम देखेंगे कि हम
कहाँ कहाँ से वो करेंगे, ऑपरेट करेंगे। हम मोज़िला फायरफॉक्स में आएंगे, ये ब्राउज़र है, इसमें हम अगर लोकल होस्ट लिखेंगे तो हमारे सामने कोहा ओपे खुल जाएगा, और अगर लोकल होस्ट फुल कॉलन 8000 लिखेंगे तो हमारे सामने लाइब्रेरी इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इधर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने कोहा का ओपेक जो है वो खुल गया है। दूसरा टैब खोलते हैं जिसमें हम लिखते हैं लोकल होस्ट और फिर उसके आगे 8000। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास लाइब्रेरी इंटरफेस भी खुल गया। तो ये था तरीका साइड बाय साइड इंस्टॉलेशन का। थैंक यू।